बड़ा काम से अपना परिचय बताइए पहले। मैं नीरज कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी मंडल प्रधान का महामंत्री हूँ। क्या समस्या, क्यों धरने पे? यहाँ जो है एक हफ्ते पहले जो है यहाँ पे ज्ञापन दिया गया था कि बिजली आप लोग सप्लाई यहाँ से दीजिए। यहाँ बिजली 24 घंटे में 18 घंटे यहाँ बिजली आती है, लेकिन ये लोग यहाँ से बिजली सप्लाई नहीं देते हैं। कौन? यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ पे कर्मचारी कोई रहता ही नहीं है। आज भी यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं है। 8 बजे से लोग धरने में बैठे हुए हैं, कोई उपस्थित नहीं है। कोई यहाँ बिजली विभाग का कर्मचारी नहीं है। यहाँ का पूरा किसान इस क्षेत्र का, बंदेवी फीटर के पीपेडी जो भी इधर के गांव पड़ते हैं, वहाँ का पूरा किसान अभी तक धान की रोपाई नहीं कर पाया है। घर में पानी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। जब बिजली जाएगी नहीं तो पानी भरेगा कहाँ? अगर बाई देवे 24 घंटे में से 2 घंटे बिजली जा भी रही तो 50 बार उसकी कट जा रही है, और लोड के कारण तार टूट के गिर जा रहा है। तो इसका कम से कम निराकरण हो, इसीलिए हम लोग धरने पे आज सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं। कब तक करेंगे धरना? जब तक यहाँ पे कोई उच्च अधिकारी नहीं आ जाता है। मैं अंजनी कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी हूँ। इस समय क्या आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, क्या मांगे? यहाँ किसानों को एक हफ्ते से बिजली एकदम नहीं दी जा रही है, और यहाँ के बिजली कर्मचारी और जेई देखिए सामने ताला बंद है, ताला बंद करके एक हफ्ते से इसे फरार हैं, कोई यहाँ नहीं आ रहा है, और किसान को बिजली नहीं मिल रही है। किसान अपनी खेती बाड़ी करने में परेशान, वोल्टेज मिल ही नहीं रहा है, और जब डाउन हो जा रहा है तो ये सब ठीक ही नहीं कर रहे हैं यहाँ के कर्मचारी, और कभी भी समय से यहाँ उपलब्ध नहीं रहते हैं। यहाँ के जेई विकास दुबे जी हैं जो एक एक हफ्ते तक यहाँ नहीं आते हैं, और एक दिन आ करके एक हफ्ते का अटेंडेंस लगा देते हैं। क्षेत्र की जनता से कोई उनको मतलब नहीं है। वह माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के जो सपने हैं किसानों के हित में करने के लिए, उससे वह खेल रहे हैं, किसानों के हितों का अनदेखी कर रहे हैं, सरकार की नीतियों के विरुद्ध वह काम कर रहे हैं। इसकी शिकायत हम लोग एक्सियन महोदय और एससी महोदय से किए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके जेई रेगुलर वहाँ जाएंगे, रहेंगे और क्षेत्र की समस्या को देखेंगे, लेकिन आज तक उसका निदान नहीं हुआ। एक भ्रष्टाचार का आरोप भी जेई विकास दुबे के ऊपर है, जिसका निस्तारण एक्सियन महोदय और एससी महोदय नहीं कर रहे हैं, इनको बचा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी मिली भगत है इसमें। समस्या ये आप लोगों को कब से आ रही है? समस्या 4 साल से है, और जब से विकास दुबे यहाँ चार्ज लिए हैं तब से और ज्यादा बढ़ गई। कितने दिन हुए विकास दुबे को? लगभग 4 या 5 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए, जबकि 3 साल में ये नीति है सरकारी विभाग की कि उनका ट्रांसफर हो जाना चाहिए, लेकिन मिली भगत से और सरकार की मनसा के विपरीत जेई विकास दुबे को यहाँ जबरदस्ती रोका गया है, और उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। धरना देना आप लोगों ने कब? हम लोग आज सुबह आए हैं, इसके पहले एक हफ्ता पहले भी हम लोग अपनी मांग को लेकर के ऊपर के अधिकारियों से मिले थे। आप लोग की मांगे अगर नहीं पूरी की जाए? नहीं पूरी होगी तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। किसानों के हित से कोई समझौता नहीं होगा। माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के सपने को सच करने के लिए हमको जो संघर्ष करना होगा हम करेंगे। सदानंद सिंह पिपरीडी। क्या समस्या है, क्यों धरने? समस्या आज सन 15 से करीब करीब है। हर वर्ष 4 महीने जून से लेकर लगभग अक्टूबर के 10-15 तारीख तक ये बिजली का सप्लाई जो है किसानों के लिए बिल्कुल नहीं के बराबर है। दूसरी बात है कि सारे जिले में, सारे प्रदेश में यह सिस्टम नहीं है जो हमारे यहाँ है। एक दिन रेल लाइन से पूरा हाफ रहेगी तो रेल से पश्चिम सही रहेगी, फिर उधर हाफ की जाएगी तो हमारे तरफ ये समस्या आएगी तब फुल होगा। तो इस तरह की कहानी है, ये कम से कम 5 साल से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये कहा गया है कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति आप लोगों को मिलेगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कभी नहीं मिली है। नहीं, कभी नहीं मिली है, क्योंकि आदित्यनाथ योगी या हमारे मुख्यमंत्री बिजली की सप्लाई नहीं देते। वो एक अपनी विचारधारा बिजली विभाग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को दे दिए, अब वो ना दें
तो इसमें योगी की बात कहाँ से आ जाएगी। मतलब कि कर्मचारी भ्रष्टाचारी, यहाँ सब चोर हैं, किसान अपनी खेती नहीं कर पाएगा, वो क्या नाम है कमजोरी में वो पैसे नहीं जमा कर पाएगा, आरसी काटेंगे, दरवाजे पर चढ़ के कालर पकड़ के वसूली करेंगे, किसान कहाँ से देगा। क्या यहाँ पे बिजली विभाग के कर्मचारियों में गुंडाई भी चलती है? बिल्कुल चलती है, ये गुंडाई नहीं तो है क्या, ये गुंडाई नहीं है तो और क्या है। हम सिफारिश करते हैं, वो अनदेखी करते हैं, अनसुनी करते हैं। अभी किसी के बाइक